सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके फ़ोन में जो पबजी का वर्जन इंस्टॉल है, चाहे वो KR हो या फिर ग्लोबल हो या फिर दोस्तों BGMI हो, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि तो आपके फ़ोन में जो पबजी का वर्जन है वो 64 बिट का या फिर 32 बिट का। तो यहाँ पर दोस्तों पबजी का जो 2.1 अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर इस अपडेट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके फ़ोन में जो पबजी का वर्जन इंस्टॉल है वो कितने बिट का है, 64 बिट का है फिर 32 बिट का। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर अपडेट में बताता हूँ कि आपके फ़ोन में कितने बिट का पबजी है, आप कैसे पता कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वीडियो पुरानी होते हैं दोस्तों, आप उन पर कमेंट करते हो कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी पबजी का या फिर BGMI का अपडेट आता है तो उस अपडेट के अंदर यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके फ़ोन में जो पबजी का वर्जन है, चाहे वो BGMI हो, ग्लोबल हो या फिर KR हो, कैसे पता कर सकते हो कि आपके फ़ोन में जो पबजी का वर्जन इंस्टॉल है वो कितने बिट का है, 64 बिट का है फिर 32 बिट का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ZAchiever को। ZAchiever आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको आपके फ़ोन के स्टोरेज के जितने फोल्डर हो गए यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एंड्रॉइड का फोल्डर मिलेगा, आपको एंड्रॉइड वाले फोल्डर में जाना है। उसके बाद आपको OBB वाले फोल्डर में जाना है। उसके बाद आपको com.pubgimobile के फोल्डर में जाना है, या फिर आपके फ़ोन में जो भी पबजी का वर्जन इंस्टॉल है उस नाम से यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, आपको उसको ओपन करना है। और यहाँ पर आपको एक OBB फाइल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप OBB फाइल से पता कर सकते हो कि आपके फ़ोन में कितने बिट का पबजी इंस्टॉल है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है BGMI, और BGMI मेरे पास है 64 बिट का। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी OBB फाइल को देखना है, और यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर इन्होंने 2.1 अपडेट में यहाँ पर इसका जो नंबर है वो चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर ये हर अपडेट में इसका जो एक नंबर होता है वो चेंज कर देता है, और यहीं से आप पता कर सकते हो 64 बिट और 32 बिट का। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो BGMI है वो है 64 बिट का। अब यहाँ पर इस फाइल का जो नंबर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस फाइल का नंबर है 16495। अगर आपकी OBB फाइल का नंबर भी यही है 16495, तो यहाँ पर आपका जो पबजी है या फिर आपके फ़ोन में जो भी वर्जन इंस्टॉल है BGMI या फिर KR, तो आपका जो पबजी है वो 64 बिट का है। तो यहाँ पर इस फाइल का नंबर आप ध्यान से देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी OBB फाइल का नंबर ये नहीं है तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने 32 बिट की OBB फाइल यहाँ पर ओपन कर ली है। अब यहाँ पर अगर आपकी OBB फाइल का नंबर ये है 16490, तो आपका जो पबजी है वो 32 बिट का है। अगर आपकी OBB फाइल का नंबर ये है 16490, तो आपका जो पबजी है वो 32 बिट का है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपके फ़ोन में कितने बिट का पबजी या फिर BGMI इंस्टॉल है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अगले अपडेट में भी जानना चाहते हो कि आपके फ़ोन में कितने बिट का पबजी या फिर BGMI इंस्टॉल है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।